नमस्कार साथियों, मैं चिकनवास के अंदर अभी मौजूद हूँ। एक तरफ यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है, एप्लीकेशन इस मामले में है कि लापरवाही प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है कि कल यहाँ पर मकान तोड़ते समय बिजली कट नहीं किया गया। आप देख सकते हैं भाई, जेसीबी चल रही है, कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है मकान तोड़े जा रहे हैं, यानी अवैध कब्जे, जिनके नोटिस भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मैं बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नोटिस के बारे में जो है मकान के जो रहते थे उनको पहले कितने दिन पहले बताया गया था, और दूसरा जो कल एक बड़ा हादसा जो हुआ ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो है मकान का जायजा लेने में जो है आगे का प्रोसेस ऑर्डर करने में लगे हुए हैं। तो भाई ये देख सकते हैं भाई, मकान तोड़े जा रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि भाई सरकारी आदेश पर जो ये मकान तोड़े जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं भाई जेसीबी वगैरह मशीनें वगैरह लगी हुई है, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। भाई साहब बात क्या थी कल, तो ना एक मिनट, कल भी मैं बिजली वाले ने बुलाए, मेरे कहते हुए लाइन काट दी, आज मारे भी को नहीं याद रहे। वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो जो एक गिरदावर साहब हुए कह बोले खट्टर साहब आने या मेरा पकड़े कलर बोले भाग गया तू नाम लिखने अभी गांव चिकनवास में मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जी पहुंचे हुए हैं और नोटिस दिखा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो है लोग ये कह रहे थे कि हमें नोटिस नहीं मिला। नमस्कार जी, एक 10 मिनट मैं कर रहा काम कर लेगा। मकान तो वेट है लेकिन जो कार्रवाई वह गलत है, अपन तो कार्रवाई पे गांव चिकनवास में अवैध निर्माण बता के तोड़ने आई टीम द्वारा अभी तक ग्रेजुएट आदमी मेरे पास कोई नोटिस कौन सा मेरे सामने वाला है, मैं बताता हूं ना 50 साल और एक आदमी बोलेगा, मैं बोल रहा हूं जी, या तो इनको बोल लो, मैं बोल लूं जी। आज बताओ कौन सा लीजिए जी। तो शक्ति कहां पर है, शक्ति कहां पर है, प्रसाद बनना लग रहा है। ये निशान वाला कर मेरा दादाजी का नाम था मामन जी, ये इंद्राज पिताजी का नाम था जी, इंद्राज का लड़का हूँ जी मैं। इसको एक बार होल्ड करो भैया, देखते हैं इसके कौन सा कानून साहब
आगे बताओ कौन से ना ना मैं बाद में बात करना आप आधी घंटे बाद में बात करना आप बड़े मौका नहीं मिल रहा मैं जो आदमी 20 आदमी यहाँ लग रहे हैं मजदूर लग रहे हैं फोड़ लग रहे हैं और उस पर जिस भी चल रहे थे जो सामान काट रहे हैं फोड़ रहे होगा ना फोड़ रहा जिस भी चल आपका 7 महीने को नोटिस दी है कितनी बार नोटिस दी है आज 20 आदमी लग रहे हैं वो जबरदस्ती का सामान नष्ट कर रहे हैं आज जबरदस्ती जिस भी आप कितनी देर में उठा लेंगे होता हूँ ये सामान एक दिन में दो दिन उठा दूँगा तीन दिन उठा दूँगा आप देख के दो किसान आप लिख के दो नंबर को हमें दे दो लिख के दो अगर बात सुन लो 5 दिन का टाइम दे देता हूँ अगर नहीं उठाया ना तो सरकारी मशीनरी आएगी जो अच्छा खर्चा आपको देना पड़ेगा वो ठीक है भाई वो सामान उठेगा आपका खाली कर बस आप 5 दिन मदद लिख के दे दो एक और है एक सामान जो आधा मकान शमशान में है आधा उसके जमीन में उसको जो आधा बचा उसको मकान तो आधा मकान तो शमशान भूमि का आधा परला तो खुद तोड़ दे वो अपने आप नुकसान ना हो नुकसान हम किसी नहीं करते जनाब मैं नुकसान की ये नहीं अभी आप नुकसान करें मेरा पुलिस ने ताकत लिए और खुद तोड़ दे अपना सामान ठहलो खाली करो आप खुद तोड़ दो और 5 दिन का ना मॉडल आप लिख के रहो।